ग्रो चैंप सिरप, जिसको कि एमिनो एसिड और मल्टी विटामिन सिरप भी बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलरली बच्चों के लिए जो है बनाया गया है। ग्रो चैंप सिरप जो है इसके बीच में एमिनो एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई जो है रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ग्रो चैंप सिरप जो है इसको यूज़ किया जाता है बच्चों के बीच में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है इस सिरप को बनाया गया है। अमीनो एसिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी विटामिन्स और मिनरल्स की अब्सॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी के बीच में उसके लिए। तो जैसे कि सब लोगों को पता ही है कि जो अमीनो एसिड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सिरप जो है एक तरह से ईजी और डिलीशियस वे है जिससे कि बच्चे जो हैं एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स को जो है ले सकते हैं एज ए बैलेंस्ड डाइट के तौर पर। तो ये सिरप जो है बच्चों के ओवरऑल हेल्थ को जो है डेवलप करता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और साथ में ही फिजिकल ग्रोथ, हेल्थी डेवलपमेंट और मेंटल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमीनो एसिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके लिए, और जो भी सर्कुलेशन होते हैं ब्लड की हमारी बॉडी में तो उसको भी जो है इम्प्रूव करते हैं जे अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं न्यूट्रिशन के, और जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो है अमीनो एसिड्स की जो डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे जो भी हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग का काम होगा तो वो जो है स्मूथ वे से जो है नहीं चल पाएगा। अमीनो एसिड्स जो हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, ये तो हर एक को पता है। ये सिरप जो है हेल्प करेगा आप लोगों के बच्चे के बॉडी को डैमेज होने से बचाएगा, इम्प्रूव करेगा उनकी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को जो है बेस्ट करेगा, और साथ में ही जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको भी इम्प्रूव करेगा। मल्टी विटामिन्स जो हैं जो भी आप लोग लेते हैं अपने बच्चों के लिए वो ट्रीट करेंगे या फिर बचाएंगे अगर किसी बच्चों को विटामिन्स की डेफिशिएंसी है पोअर डाइट की वजह से। तो विटामिन्स जो हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, और जो कि गुड हेल्थ के लिए जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो प्राइमरी रोल जो होता है मल्टी विटामिन्स का, तो वो यही होता है कि जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जो है फुलफिल करना, और जो भी जो है विटामिन्स का यूज़ करता है तो डेली जो है डाइट वगैरह जो भी खाना वगैरह खाता है तो वहाँ से प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो है जो भी सप्लीमेंट्स मल्टी विटामिन्स होते हैं तो उनका यूज़ किया जाता है। तो मल्टी विटामिन्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट काइंड्स के विटामिन्स की, और जो कि अलग अलग फूड्स में जो है प्रेजेंट होते हैं या फिर जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे जो है ये तैयार होते हैं। पेरेंट्स हमेशा से ही ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट सप्लीमेंट्स मिले ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और वो जो है हेल्थी रहें। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए जो हैं जो भी खाना वगैरह वो बच्चे खाते हैं तो वहाँ से उनको प्रॉपर वे से मल्टी विटामिन्स जो हैं नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रो चैंप सिरप है तो इससे प्रॉपर वे से विटामिन्स, अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलेंगे, और जिनसे कि उनकी जो है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी बच्चे में तो उससे जो है उनकी प्रॉपर वे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और ये चीज़ होती है पोअर न्यूट्रिशन की वजह से, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन मल्टीविटामिन सिरप्स जो होते हैं तो इस प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व कर देते हैं, और जो भी डिमांड होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है जो विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स की, तो उस चीज़ को जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सिरप जो है एक तरह से आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों के बेबी के जो भी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में, और जो उनकी ओवरऑल वेलबींग होंगी तो उसको भी जो है बूस्ट करेगा, उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा, और आप लोगों के बच्चे जो होंगे वो हेल्थी रहेंगे, उनका हार्ट जो है वो हेल्थी रहेगा, उनकी जो विज़न है वो भी हेल्थी रहेगी, और उनका जो नर्व हेल्थ है वो भी जो है हेल्थियर रहेगा। तो आप लोग जो हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, इसे एनफ क्वांटिटी में जो है विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं ईयरली चाइल्डहुड में। तो ये प्रॉपर ग्रोथ को जो है एक तरह से स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि फिजिकल और मेंटल जो है ग्रोथ होगी बच्चों में। ग्रो चैंप सिरप जो है ये एक चाइल्ड इम्यूनिटी बूस्टर सिरप है, और जो कि अमीनो एसिड्स और मल्टी विटामिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
तो आप लोग जो हैं इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं जिन बच्चों की एज जो है 1 ईयर हो चुकी है, तो 1 ईयर टू अडल्ट तक जो है आप लोग इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग जो है इस सिरप का यूज़ करें तो इसकी बॉटल को अच्छे से जो है एक बार शेक कर लें, और इसके बीच में आप लोगों को एक मेजरिंग कैप भी मिलेगा, तो उसके बीच में आप लोगों को हर दिन 5 ml जो है मेज़र करके अपने बच्चे को पिला देना है खाना खाने के बाद। तो जब कभी भी आप लोग जो है इस सिरप का यूज़ करने का सोचते हैं तो एक बार आप लोगों को जो है अपने डॉक्टर को पूछ लेना है, और जितने डोसेज में वो बोलता है तो आप लोगों को उतनी ही डोसेज में जो है अपने बच्चे को जो है इस सिरप को पिलाना है। तो जब भी आप लोग जो है सिरप का यूज़ करते हैं तो उसके बाद इसकी कैप को अच्छे से जो है बंद कर देना है। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो 200 ml की बॉटल आप लोगों को 110 rupees की जो है मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को जो है कहीं से भी खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदना चाहिए, और इस सिरप को आप लोगों को जो है 25 degrees Celsius टेम्परेचर के विलो जो है स्टोर करके रखना है और डायरेक्ट सनलाइट से जो है प्रोटेक्ट करना है। अगर हम लोग जो है कंपोजिशन की बात करें तो ईच 15 ml सिरप के बीच में एल आर्जिनिन 13.28 mg प्रेजेंट होता है, एल हिस्टिडीन जो है 3.71 mg प्रेजेंट होता है, एल आइसोल्यूसिन जो है 5.9 mg प्रेजेंट होता है, एल ल्यूसिन 18.3 mg प्रेजेंट होता है, एल लाइसिन जो है 25 mg प्रेजेंट होता है, एल मिथ्योनिन जो है 9.2 mg प्रेजेंट होता है, एल फिनाइल एलिनिन जो है 5 mg प्रेजेंट होता है, एल थ्रियोनिन जो है 4.2 mg प्रेजेंट होता है, एल ट्रिप्टोफान जो है 5 mg प्रेजेंट होता है, एल वैलिन जो है 8.7 mg प्रेजेंट होता है, विटामिन ए 2500 यूनिट्स जो है प्रेजेंट होता है, विटामिन D3 जो है 200 यूनिट्स प्रेजेंट होता है, विटामिन ई जो है 7.5 यूनिट्स प्रेजेंट होता है, और थियामिन जो है 5 mg प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लेविन जो है 3 mg प्रेजेंट होता है, निकोटिनामाइड जो है 25 mg प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेंथोथेनेट जो है 5 mg प्रेजेंट होता है, पायरीडॉक्सिन जो है 1.5 mg प्रेजेंट होता है, विटामिन V12 जो है 2.5 mcg प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है 40 mg प्रेजेंट होता है, फॉलिक एसिड जो है 0.75 mg प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग जो है साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ग्रोथ चैम सिरप के जनरली कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप लोग जो हैं जितने रिकमेंडेड डोसेज में आप लोगों को बोला गया है इसका यूज़ करने के लिए, अगर प्रॉपर डोसेज में आप लोग जो है इसका यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है नहीं देखा जाता है। तो आप लोग जो है अगर इसका स्टार्ट करना चाहते हैं यूज़ करना, तो एक बार जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही जो है इसका यूज़ करें।